भिन्नों का संख्या रेखा पर निरूपण। आज हम सीखेंगे कि भिन्नों को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि संख्या रेखाएं क्या होती हैं। संख्या रेखा, जिसे हम वास्तविक रेखा भी कहते हैं, एक सरल रेखा है जिसका उपयोग वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। वास्तविक संख्याएं एक बिंदु के रूप में दिखाई जाती हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया गया है। पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसी प्रकार से अनंत तक। इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। आइए अब हम भिन्नों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखें। यहाँ पर हमने एक संख्या रेखा ली है जिसको हमने दो बराबर भागों में विभाजित किया है। तो प्रत्येक भाग यहाँ पर आधा कहलाएगा, जिसे हम 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने दो बराबर हिस्से किए हैं और उसमें से एक भाग को छायांकित किया है, जिसे हम 1/2 के रूप में लिख रहे हैं। अब मान लीजिए हम एक पूर्ण को 4 बराबर हिस्सों में विभाजित करते हैं इस प्रकार से, तो प्रत्येक बराबर भाग 1/4 कहलाएगा, जिसे हम 1/4 या 1/4 के रूप में लिख सकते हैं। इसमें पहला भाग 1/4, दूसरा भाग 2/4, तीसरा भाग 3/4 और चौथा भाग 4/4 एक पूर्ण कहलाएगा। 2/4 को भी हम आधा या फिर 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यह भी आधा हिस्सा है। पटरी या फिर टेप में भी हम दो पूर्ण संख्याओं के बीच में कुछ भिन्नात्मक भाग को प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप इस पटरी में देख रहे हैं कि 4 और 5 के बीच में हमने 4 बराबर हिस्से किए हैं और प्रत्येक हिस्सा 1/4 और दूसरा हिस्सा 2/4 या फिर 1/2 और तीसरा हिस्सा 3/4 या फिर 3/4 और चौथा हिस्सा एक पूर्णांक कहलाएगा। इसी प्रकार से टेप में भी हमने लिखा हुआ है। आइए अब इस पेंसिल की लंबाई हम नापते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पेंसिल की लंबाई 4 और 5 के बीच में है, तो 4 पूर्णांक हिस्से हैं और पांचवें हिस्से में हम आप देख सकते हैं कि 3/4 हिस्सा हमने लिया है, इसलिए इस पेंसिल की लंबाई 4 पूर्ण और 3/4 हिस्सा है। क्या आप 4 सही 5/8 को इस संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 पूर्ण है और 4 और 5 के बीच में 5/8 हिस्सा हमें लेना है, इसलिए हम 4 और 5 के बीच में 8 बराबर हिस्से करेंगे और उसमें से हम 5/8 वाले बिंदु को मार्क करेंगे। बिल्कुल सही। क्या अब आप 5/6 को भी इस संख्या रेखा में निरूपित कर सकते हैं? आपने बिल्कुल सही सोचा। यहाँ पर हम 0 और 1 के बीच में 6 बराबर हिस्से करेंगे और उसमें से 5 हिस्से गिन लेंगे, वही 5/6 कहलाएगा। बिल्कुल सही। आइए अब हम संख्या रेखा पर भिन्नों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ प्रश्न हल करें। तो पहला प्रश्न है, संख्या रेखा पर भिन्न 4/10 को प्रदर्शित कीजिए। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई पेंसिल की लंबाई कितनी है? तीसरा प्रश्न है, संख्या रेखा पर दर्शाए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर
कौन सा भिन्न आएगा या कौन सी संख्या आएगी। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि भिन्नों को संख्या रेखा में किस प्रकार से निरूपित किया जाता है और भिन्नों के संख्या रेखा निरूपण के कुछ रोचक उदाहरण। धन्यवाद।